हरे कृष्णा, वेलकम टू माय जन्माष्टमी स्पेशल 56 भोग सीरीज़। आज मेरी 56 भोग सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, जिसमें मैं आपके साथ रिमेनिंग रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज की ये सीरीज़ कुछ स्पेशल है, क्योंकि अगर आप 56 भोग नहीं भी बना रहे हैं तो कुछ मिष्ठान आपको जन्माष्टमी पर बनाने ही होती हैं, तो ये वीडियो आपकी उसमें हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करती हैं। उससे पहले, मेरा नाम है संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद संगीता। तो हमारी जो नई रेसिपी है वो है, आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फ़ी। तो इसके लिए मैंने एक नारियल लिया है, ये मैंने पानी वाला नारियल लिया है। हमने इसके छिलके उतार लिए हैं और अब कद्दूकस से इसे ग्रेट कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगी, इस ग्रेट करिए नारियल को एक मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए और इससे ना जो बर्फ़ी बनेगी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे 400 ml दूध लिया है, जिसे बॉईल होने के लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में चढ़ा दिया था। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा, हम ये कद्दूकस किए हुए नारियल को दूध में अच्छे से भुनने के लिए डाल देंगे। तो अब आपको क्या करना है, इस नारियल को दूध में अच्छे से पकाना है। तो शुरू में आप अपने गैस की फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं। जब ये नारियल अच्छे से पक जाए, जो इसमें मॉइस्चर ना रहे, तब आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। तो नारियल की बर्फ़ी जब आप बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो इसे आप किसी भी ओकेशन पे बना सकते हैं और ये बहुत ही ईजी होती है। तो देखिए, मैं इस तरह से नारियल के बर्फ़ी को बनाने के लिए कलची को कंटिन्यूसली चला रही हूँ। आपको भी इसी तरह से चलाना है, क्योंकि क्या होता है, नारियल जल्दी पक जाता है तो ये कढ़ाई में नीचे चिपक जाएगा। नारियल हो गया गाढ़ा, अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। मैंने करीब 1 कप के आसपास चीनी यहाँ पे ऐड करी। चीनी को अच्छे से यहाँ पे घुलने देंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी और जो ये कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो जाएगी, तो आप खुद ही देखेंगे कि जो ये नारियल है ना, कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा। उसके बाद हम इसे किसी भी प्लेट पे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे घी से, और हम यहाँ पे इसे फैला देंगे। अब मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए ना, मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर भी यूज़ करा है। तो मैंने यहाँ आधा चम्मच इलायची का पाउडर यूज़ करा, जिससे टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है। अब आप क्या करें, 1 से 2 चम्मच घी लीजिए और इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, ताकि क्या होगा, थोड़ा सा और मॉइस्चर इसमें आ जाए और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देगी। अब मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद, क्योंकि हमारा जो नारियल है एकदम थिक हो चुका है। एक मैंने यहाँ पे स्टील की प्लेट ली, जिसे घी से ग्रीस कर दिया था, और जितना भी ये नारियल का डो था, इसे यहाँ पे फैला दिया। अब आप स्पैचुला लीजिए और उसे किसी भी तरह की शेप दे दीजिए। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे शेप दे देनी है। अब क्या है, हम यहाँ पे इसे ठंडा होने के लिए तब तक वेट करेंगे, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना, सेट हो जाएगी बर्फ़ी। और अब सेट होने के बाद आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो एकदम नारियल की बर्फ़ी एकदम मार्केट जैसी आपके पास तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहते हो तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फलार के अकॉर्डिंग रेसिपी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे कलर नहीं यूज़ करा है। लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल ओकेशन पे बनाना चाह रहे हो, तो आप इसमें थोड़ा सा रेड ऑरेंज कलर मिला दीजिए, तो ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बर्फ़ी बन जाएगी। तो अब हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है ना, वो है लौकी का हलवा, जिसे दूधी हलवा भी बोलते हैं। ये क्या 56 भोग में ज़रूर बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 लौकी ली है, जिसे छिलका छील लिया है और मैंने ग्रेट कर लिया है। साइड बाय साइड मैंने दूध को भी उबलने के लिए रख दिया था। करीब मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया था। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा, मैं यहाँ लौकी को डाल दूंगी और अच्छे से पकने दूंगी। तो देखिए, जैसे आप गाजर का हलवा बनाते हैं ना, सेम प्रोसीजर होता है लौकी के हलवे का बनाने का, और ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसे आप इजीली बना सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या करा है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है, या डेजिनेटेड कोकोनट बोलते हैं, या आप किसी भी लोकल ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं, या फिर मैं आपको ऑनलाइन परचेज लिंक डाल दूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, इस तरह से आपने कलची से चलाना है, जब तक ये थिक ना हो जाए। तो जैसे ही दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा ना, हमें जो लौकी का हलवे की कंसिस्टेंसी है ना, हमें पता चल जाएगी। अब मैंने यहाँ क्या है, 2 चम्मच घी ऐड करना है। घी से क्या होता है कि इसका टेस्ट भी एनहांस होगा, प्लस इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी यहाँ पे ऐड करा है। मैंने यहाँ पे देसी घी ऐड करा है। तो इसी तरह से अब आपको यहाँ पे इसे अच्छे से मिलाना है। तो देखिए, जो हमारा लौकी का हलवा है, दूधी हलवा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रेडी हो चुका है। आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने ना हलवे के फॉर्म में तैयार करा है। अब यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करी है। अब हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी ना, हमारा लौकी का हलवा एकदम रेडी हो जाएगा।
तो दोस्तों प्लीज आप मेरी रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ना फीडबैक दे, पता चल जाता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही नहीं आ रही। तो देखिए अब ये लौकी का हलवा है एकदम रेडी हो चुका है। अब यहाँ मैंने आधा चम्मच इलायची का पाउडर यूज़ करा जो कि इसे एक बहुत ही अच्छा अरोमा दे देगा। तो देखिए लौकी का हलवा एकदम रेडी हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही टैम्पटिंग है। अब आप इसे अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए इसे बनाना कितना ईजी है, और अगर आप चाहो ना छप्पन भोग में इसे आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हो, फ्रिज में खराब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे बादाम और काजू से यहाँ पे इसे गार्निश कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी। बनाना तो जरूरी होता है, तो मैंने यहाँ पे पहले हम यहाँ पे प्री प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो मावा जिसे खोया भी बोलते हैं लिया है। अब मैं इसे इकट्ठा ही रोस्ट कर लूँगी और ताकि मैं इसे बाकी कतली भी बना सकूँ। तो मैंने यहाँ पे मावा लिया, हम इसे तब तक इसे चलाते रहेंगे जब तक ये इस तरह से कंसिस्टेंसी में ना आ जाए और हल्का सा ये ब्राउनिश कलर में ना आ जाए। तो देखिए जब आप खोए को पहले भून लेते हो ना तो लगभग आपका आधा काम तो ना पहले ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 1 किलो खोए से लगभग 4 या 5 मिठाई बनाऊँगी। तो इसी हिसाब से आपको भी यहाँ पे अपने जो मटेरियल है, जो भी इंग्रेडिएंट है, आपको पहले से तैयार कर लेने हैं। तो वही मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको छप्पन भोग की तैयारी कैसे करनी है। तो जो दूध की मिठाई है आप पहले से लिस्ट बना लो कि आपको इतना दूध लेना है और उस दूध को इकट्ठा ही आप गाढ़ा कर सकते हो और बाकी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए खोया भुन गया है, अब मेरे को मखाने, मैंने करीब 1.5 कप के आसपास मखाने लिए हैं और इन्हें अच्छे से रोस्ट होने देंगे। तो ये जो रोस्ट आप करोगे मीडियम फ्लेम पे करोगे, अदरवाइज ये जल जाएंगे। तो आपको तब तक रोस्ट करना जब तक ये हाथ से इस तरह से क्रश ना हो जाए। तो ये मखाने मैं अपनी 2 कतली में यूज़ करूँगी, तो इसी हिसाब से मैंने ये पहले से ही खट्टे मखाने रोस्ट कर लिए थे। अब हम इसे मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए ये मखाने तो अच्छे से हमारे पाउडर फॉर्म में तैयार हो चुके हैं, इसे भी मैंने साइड रख दिया है। अब हमें चाहिए मींगी, तो मैंने यहाँ पे खरबूजे की मींगी ली है या खरबूजे के बीज जो आप कहते हैं, इसे भी आपको रोस्ट करना है। तो ये आपको हल्की मीडियम गैस पे ही रोस्ट करना है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इसका रोस्ट करने का तरीका क्या है, जैसे ही आप रोस्ट करोगे ना ये चटकना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपके मखान जो, तो ये सारी प्रिपरेशन ना आप एक दिन पहले कर सकते हैं। तो देखिए जो ये मेलन सीड्स हैं अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी हम एक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो मिक्सी में आपको उसे ज़्यादा नहीं चलाना, सिर्फ एक ब्लेंड लेना है और देखिए ये दरदरा हमारा हो जाएगा तैयार। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सूखा नारियल भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 सूखा नारियल है जिसे गोला बोलते हैं लिया है और ग्रेट करके हम इसे साइड में रख लेंगे, क्योंकि हम इससे जो नारियल पाक भी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 जो सूखा नारियल था उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो सारी जो प्री प्रिपरेशन है ना मैंने ये कर ली है। अब इसे भी मैंने यहाँ पे मिक्सी में दरदरा सा कूट लिया है। तो देखिए ये हो गई है तैयारी। अब हम बनाएंगे इससे धनिए की बर्फी, जो कि जन्माष्टमी में बनानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो कान्हा जी को जो भोग है ना वो जन्माष्टमी पे धनिए की बर्फी से लगाया जाता है, और इसी से हम जो अपना उपवास भी खोलते हैं। मैंने यहाँ करीब 1 कटोरी धनिया के आसपास लिया है, और धनिया को आपको ना मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना होता है, अदरवाइज धनिया बहुत जल्दी जल जाता है। तो ये देखिए आप इसका कलर चेंज होता हुआ देखेंगे, तो इसका मतलब धनिया हमारा रोस्ट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, अब सारे इंग्रीडियंट को इकट्ठा कर लिया है। 1 कटोरी धनिया लिया है, तो 1 कटोरी मावा लिया जो कि 250 ग्राम के आसपास है। इस मावे को हमने पहले से ही भून लिया था। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कटोरी जो मैंने सूखा नारियल कद्दूकस करा था। तो देखिए 1/2 कटोरी ले लिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिया है, 2 चम्मच लिए हैं खरबूजे के बीज जिसे मैंने पहले से ही पीस लिया था। तो इन सारे इंग्रेडिएंट को हम रख देते हैं साइड में और चाशनी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है और 1/4 यानी कि 1/4 कप हम यहाँ पे पानी लेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हमें यहाँ पे 1 तार की चाशनी बनानी है। आप 1 तार की चाशनी को कैसे चेक कर सकते हैं, इसे पहले ठीक होने दीजिए और थोड़ी सी ड्रॉप ना पानी में डाल के चेक कर लीजिए। अगर ये नीचे जम जाती है और ये गोली फॉर्म में बन जाती है तो आपकी 1 तार की चाशनी बन गई है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ये तार की चाशनी बन जाएगी ये सारा का सारा जो हमने धनिया की बर्फी का इंग्रेडिएंट है वो इसमें यहाँ पे ऐड करना है। तो आप यहाँ पे किसी की हेल्प ले सकते हो, मैंने यहाँ मम्मी की हेल्प ली है। तो अब यहाँ क्या करना है, अब आपको इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाना है ताकि ये थिक डो बन जाए और ये जो सारा का सारा इंग्रेडिएंट है ना ये कढ़ाई से अपने आप सेपरेट हो जाए। तो देखिए इस तरह से आपको चलाना है, तो आपको ये जल्दी जल्दी चलाना है क्योंकि जो हमने चाशनी बनाई थी ना वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गई थी। तो इस तरह से आपको चलाते रहना है साइड बाय साइड। क्या करिए, आपको प्लेट लिया और उसे घी से ग्रीस कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से ही आपको धनिया की बर्फी के लिए तैयारी करनी है। तो मैंने आपके धनिया की पंजीरी ना पहले से ही मैंने पार्ट 2 में शेयर कर दी थी, तो आप मेरी रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं।
करते हैं। तो देखिए ये हमारी जो है धनिया की बर्फी का जो डो है ना वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और स्पैचुला से कोई भी शेप दे देंगे। तो देखिए कितनी आसान है धनिया की बर्फी बनाना और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और जन्माष्टमी पे ही बनाई जाती है। तो देखिए इस तरह से ये जो हमारा जो बैटर था ना धनिया की बर्फी का ये हमारा तैयार है। अब मैंने इसे प्लेट में डाल दिया और मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी। तो ये क्या करना है, आपको भी इसी तरह से कराना है। आप थोड़ा पतला पतला फैलाना क्योंकि धनिया की बर्फी ना थोड़ी पतली पतली ही फॉर्म में आपको इस तरह से फैलानी होती है। तो अब आप क्या करेंगे, इस जो मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे करीब आधा सा एक घंटा लगता है ठंडा होने में। जैसे ये सेट हो जाएगा उसके बाद आप इसे अपनी पसंद की शेप में काट लीजिए। और तो देखिए धनिया, तो मैं इसे किसी भी शेप में काट रही हूँ, तो इसी तरह से आपको भी बनाना है। तो देखिए 56 भोग आपने भी देखा होगा कितना इजी है बनाना। तो बहुत सारी प्रिपरेशन है वो आप ना एक दिन पहले ही कर सकते हैं। तो आप इजीली देखेंगे कि आपके जो 15 से 20 भोग है ना वो पहले से ही तैयार हो जाते हैं। तो देखिए हमारी धनिया की बर्फी रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे नारियल की बर्फी या नारियल की कतली जिसे हम कहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, सूखा जो नारियल था कद्दूकस करके ग्रेट कर लिया था वो लिया है। उसके बाद जितना भी बचा हुआ हमारा मेलन सीड, खरबूजे की मींगी थी, मखाना था जो हमने भून के पीस लिया था, वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो अब क्या करना है, अब हम इसे साइड रख देंगे और इसमें मैंने 250 ग्राम यानी कि एक कटोरी भुना हुआ मावा लिया था जो पहले से ही भून लिया था। तो देखिए ये हमारी जो नारियल या सूखा नारियल का पाक होता है ना उसके लिए हमने यहाँ पे इसे साइड रख दिए। अब सेम मेथड है, इसके लिए भी हमें चाशनी को बनाना है। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम चीनी लिया और वही 1/4 कप आप पानी लोगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दोगे ताकि ये एक तार की चाशनी बन जाए। तो देखिए ये पाक बनाना भी ईजी है। अगर आप इसमें और अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें काजू या फिर मूंगफली का पाउडर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके पंच पाक भी तैयार हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे पानी में डाल के चेक कर रही हूँ, तो ये जो है गुठली बन गई है, इसका मतलब हमारी एक तरह की चाशनी ना बन चुकी है। अब उसमें मैं जितना भी इंग्रेडिएंट था जो मैंने यहाँ पे पाक के लिए ले रखा था यहाँ पे डालना है और सेम मेथड से जैसे आपने धनिया की बर्फी जमाई थी वैसे ही आपको इसे भी चलाना है ताकि ये सारा का सारा जो मिश्रण है वो इकट्ठा हो जाए और एक अच्छा सा डो हमारे पास तैयार हो जाए। साइड बाय साइड मैंने क्या करा, उस थाली को मैंने क्या कर रखा है, घी से ग्रीस कर रखा है क्योंकि जब ये डो एकदम तैयार हो जाएगा हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और किसी भी शेप में दे देंगे। तो देखिए पाक बनाना भी कितना ईजी है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर रही हूँ। तो दोस्तों मैंने पार्ट आपके संग 4 पार्ट शेयर करे हैं 56 भोग के। तो प्लीज़ मेरे आप उन पार्ट्स को भी देखिए और आप इस जन्माष्टमी, एकादशी या फिर गोवर्धन पूजा उस पे भी आप 56 भोग बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जो अगर आप व्रत या उपवास के 56 भोग में नहीं बनाना चाहते तो आप तब भी इसे बना सकते हैं। बाकी जो अगर रिमेनिंग रेसिपी है उसमें आप जो नॉर्मल जो आटा होता है, बेसन होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे फैला रही हूँ और ये क्या कर रहे हैं, आप कोई भी शेप इसे इस तरह से फैला दीजिए। लगभग इसे ठंडा होने में ना 15 से 20 मिनट लगते हैं क्योंकि बहुत जल्दी जमती है क्योंकि ड्राई फ्रूट जल्दी से अपनी पकड़ ले लेते हैं। अब इसी तरह से आपको भी ठंडा करना है और शेप में काट लेना है। तो देखिए इसे आप अगर एयर टाइट बॉक्स में रखो तो इनकी शेल्फ लाइफ 15 से 20 दिन होती है। तो आप इसे इस तरह से बना के भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी है और प्रोटीन से रिच होती है। तो हमारा जो नारियल पाक है ये एकदम तैयार हो चुका है। अब हमारी जो 50वीं रेसिपी है वो है पेठे के लड्डू। ये बहुत ही एकदम नई रेसिपी है, इसके लिए मैंने 2 पेठे की मिठाई ली है और इसमें मैंने क्या करा है, खोया लिया है। मैंने यहाँ करीब 100 ग्राम के आसपास खोया लिया था। अब हमें इन पेठे की मिठाई और खोए को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो आप ये कह सकते हो ये एक ऐसा डेजर्ट है जो फूड विदाउट फायर है और आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो इसमें मैंने आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाला जिससे इसकी टेस्ट और फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इसे आप अगर आपका मीठा खाने का मन है या फिर आप जल्दी से जल्दी कोई भोग तैयार करना चाहते हो कान्हा जी के लिए तो आप इसे झटपट बना सकते हो। तो अब आपको इसे अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है ना तो आप इसमें नारियल का बुरादा भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर नारियल के बुरादे में क्या कोट करना था तो उसी में से मैंने 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा यहाँ पे ऐड कर दिया जिससे क्या होगा कि ये थोड़ा स्टिकी नहीं होगा और इजीली हमारे जो लड्डू की शेप ले लेगा। अब आपको इसे क्या करना है, लड्डू की तरह फॉर्म में तैयार करना है और ऊपर से हम कोट करेंगे नारियल के बुरादे से। तो देखिए ये सूखे नारियल से जब आप कोट करोगे ना तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे डेजिनेटेड कोकोनट से इसे अच्छे से कोट कर लेना है। तो देखिए कितनी झटपट हमारी
पेठे और नारियल के लड्डू हैं वो तैयार हो गए हैं। तो इसमें आपको खोए का टेस्ट भी आएगा, पेठे की मिठाई का टेस्ट है और नारियल का भी टेस्ट आएगा। तो देखिए इसमें आपको कोई चीनी वगैरह नहीं ऐड करनी है, क्योंकि पेठे की मिठाई खुद ही एक मीठी होती है और खोया भी मीठा होता है। तो इसी तरह से आपको बाकी लड्डू तैयार कर लेने हैं और आपकी जो 15th जो भोग है वो भी आपका तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे खोए के पेड़े। 200 ग्राम मैंने खोया लिया है और आधा कप यहाँ पे मैंने दूध लिया है। इसे हम अच्छे से पकाएंगे। तो वृंदावन मथुरा के पेड़े तो आप सबने खाए होंगे, तो उसी तरह से हम पेड़े का भी एक भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी को पेड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए मैंने जो 200 ग्राम मावा लिया था ना, इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें इसलिए रोस्ट करना ताकि इसका जो कलर है ना थोड़ा चेंज हो जाए। अब मैंने इसमें आधा कप दूध लिया है, दूध को मैं 2 बैचेस में डालूंगी और इसे अच्छे से पकाना है ताकि जो दूध है ना वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाए। तो देखिए जो ये हम यहाँ पे पेड़े बनाएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसे आप नॉर्मली बना सकते हैं और इसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो देखिए ये जो दूध है वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो हमारा जो रिमेनिंग जो दूध है ना, मैंने यहाँ पे आधा कप जो दूध लिया था वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आपको इसे पकाना है जब तक ये अच्छे से सुनहरा भून ना जाए। तो हमें क्या करना है, इस खोए को अच्छे से भूनना है। तो और पेड़े के टेस्ट तो आपको पता ही है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे, देखिए अब आप कंसिस्टेंसी चेंज होते हुए देख रहे होंगे। तो ये थोड़ा थिक होने लगा है, तो हमें तब तक थिक करना है जब तक ये कढ़ाई को ना छोड़ दे। तो देखिए एकदम ये कढ़ाई से ना बिल्कुल अलग हो जाएगा, एकदम डो की तरह तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है। तो देखिए ये जो पेड़े की जो कंसिस्टेंसी ना एकदम थिक हो गई है, तो आप ये देख रहे होंगे। तो अब देखिए इसने कढ़ाई को सेपरेट कर दिया है। तो इसी तरह से मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम यहाँ पे क्या होगा, बूरा ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। इसके बाद जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना, मैं यहाँ पे पिसी हुई चीनी या फिर इसे कास्टर शुगर या बूरा जो कहते हैं, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के आसपास लिए, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे हैं। इसी वजह से मेरे को सिर्फ 5 या 6 पेड़े बनाने थे, क्योंकि क्या है हमारे 56 भोग हैं तो बहुत सारी क्वांटिटी पहले से ही हो गई है। तो हम इस तरह से यहाँ पे अच्छे से इसे मिला लेंगे और हाथों को थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे और पेड़े की शेप दे देंगे। तो देखिए कितना इजी है ना ये बनाना। तो इस तरह से आप मिठाई तैयार कर सकते हैं। क्योंकि तो इस वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो दूध लिया था और 1 किलो ही मावा या खोया लिया था, और इससे मैं करीब 7 मिठाई तैयार करूँगी। तो इस तरह से आप भी ना कम चीज़ों में बहुत सारी वैरायटी तैयार कर सकते हैं 56 भोग के लिए। तो देखिए इस तरह से पेड़े बन गए हैं, ऊपर से आप इसे कटे हुए बादाम या काजू से गार्निश कर दीजिए। तो देखिए ये पेड़े एकदम तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं खोया कतली। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो 1 किलो खोया लिया था ना, उसी में से कुछ 250 ग्राम के आसपास हमारा खोया बच गया था। तो अब इसी को मैं उसी कढ़ाई में मैं भून लूँगी। अब इसमें मैंने क्या करा, 2 चम्मच चीनी ऐड करनी है। हमने क्या करा था, खोए को पहले से ही भून रखा था, तो अब हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इतना चलाना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी ना, हम इसे किसी प्लेट में जहाँ पे हमने इसे पहले से घी से ग्रीस कर रखा है उस प्लेट में डाल के शेप दे देंगे, तो खोया कतली भी बन जाएगी। तो देखिए खोया कतली भी बनाना बहुत ही ईजी है। तो देखिए ये इस तरह से हमें आपको कंटिन्यूसली कलची को चलाना होगा, क्योंकि क्या होगा कि खोया है ना बहुत जल्दी कढ़ाई से चिपक जाता है और नीचे से ये जलना शुरू हो जाएगा, तो इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। तो देखिए ये क्या होगा, इस तरह से मैंने आप यहाँ पे प्लेट में ट्रांसफ़र करना है और आप इसे शेप दे दोगे। तो मैं इसे अच्छे से फैला दूँगी ताकि जो पतली पतली जो है शेप बन जाए, ताकि हमें जो खोया की कतली बनानी है ना वो थोड़ी हम पतली पतली शेप में काटेंगे बिल्कुल हलवाई जैसी। तो देखिए ये हमारे जो खोया कतली के लिए बिल्कुल एकदम ठंडा भी हो चुका है, इसे करीब 1/2 घंटे के आसपास ठंडा हो चुका था। तो अब ऊपर से मैं इसे पहले तो किसी भी शेप में काट दूंगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे आप ड्राई फ्रूट से काजू या बादाम से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए एकदम मार्केट जैसी आपकी खोया कतली तैयार हो गई है। तो देखिए कितना इजी था ये भी बनाना। तो आज देखिए आज की जो मिठाइयाँ हैं ना वो ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी हैं, और मैंने आज आपके साथ 7 तरह की मिठाई शेयर करी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अगर कुछ मीठा की नमकीन रेसिपी ना हो। तो आज हम बनाएंगे केले के पकौड़े। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप कूटू का आटा लिया है, 2 कच्चे केले लिए हैं और मैंने यहाँ पे समा कर राइस का पाउडर लिया है 2 चम्मच। तो अब आपको क्या तो करना है, सारी सामग्रियों को मिक्स कर लेना है और काली मिर्च और सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए
चावल का आटा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप समा के जो चावल होते हैं उन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए बिल्कुल फाइन पेस्ट में, तो आपका जो राइस पाउडर है वो भी तैयार हो जाता है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ टिक्की शेयर करी थी तो उसमें भी मैंने राइस पाउडर आपको बताया था कैसे बनाना है। तो अब इसमें क्या करें, बैचेस में आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल लीजिए। इस अब आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा ना आपको थिन कंसिस्टेंसी में बनाना ताकि जो जो हमारे केले के पकौड़े हैं उसमें वो अच्छी तरह से कोट हो सके। तो इस तरह से आपको कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसे प्लेट ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। चलिए अब आप केले के पकौड़े बना रहे हैं तो केले का यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दो कच्चे केले लिए हैं, मैंने अच्छे से पील कर लूँगी और स्लाइस की हेल्प से स्लाइसर से इसे स्लाइस की फॉर्म में कट कर लूँगी। तो केले के जब पकौड़े बनाते हैं ना तो ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने आपको पहले केले की चिप्स भी शेयर करे थे जो बहुत इजी थे। अब क्या केला थोड़ा स्टिकी हो जाता है तो इसके लिए मैंने क्या करा है, एक गिलास पानी लूँगी, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और जो भी ये केले के मैंने स्लाइस करके रखे थे इसमें अच्छे से डिप कर दूँगी ताकि जो इसका स्टिकीनेस है ना वो थोड़ा कम हो जाए। तो आप इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए भी अच्छे से सोक कर सकते हैं जिससे क्या होगा इसका स्टिकीनेस निकल जाएगा। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ चाट की रेसिपी शेयर करी थी, इस वीडियो में मैं आपके साथ मिष्ठान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हम जन्माष्टमी में बनाते ही हैं अपने घर में। तो अब क्या होता है, व्रत में जब आप मिष्ठान बना रहे हैं तो क्या है, व्रत खोलने के लिए आप नमकीन रेसिपी बनाएंगे। तो इस तरह से ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 56 भोग नहीं बनाना चाहते लेकिन एक कंप्लीट मेन्यू आप अपने व्रत में ऐड करना चाहते हो। तो अगर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग भी बनाते हो तो आप 11 रेसिपी का भोग लगा सकते हो। तो मैंने क्या करा है, केले के जो मैंने यहाँ पे डिप करे थे उन्हें निकाल के मैंने यहाँ ये कूटू के आटे का घोल है इसमें अच्छे से डिप कर दिया ताकि जो कूटू है वो अच्छे से इस पर कोट हो जाए। अब हम इसे कढ़ाई में डीप फ्राई कर लेंगे। तो डीप फ्राई ये मुश्किल से 5-10 मिनट पर हो जाते हैं। आप इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे करना क्योंकि इसे क्रंच, एक अच्छा सा क्रंच आएगा। तो देखिए मैंने इसे साइड चेंज कर लिया, अब दूसरी साइड से भी अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये बहुत ही क्रिस्पी हो सकते हैं, आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको साथ एक खट्टी मीठी कैरी की चटनी और एक दही और धनिया वाली चटनी शेयर करी है अपने लास्ट वीडियो में, तो आप उसे उसके साथ सर्व करिए तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो देखिए ये हमारे जो केले के पकौड़े हैं ना ये भी एकदम रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। आपको एक अलग सा फ्लेवर आएगा व्रत में, तो आप इसे नॉर्मल व्रत में भी आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने ऊपर से यहाँ पर तुलसी के पत्ते रख दिए थे गार्निश करने के लिए क्योंकि कान्हा जी को तुलसी के पत्ते से ही भोग लगता है। अब मैंने लास्ट पार्ट में आपके साथ एक प्रॉमिस करा था कि मैं जो आमी की जो सॉन्ट है ना वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि मैंने टिक्की और चाट के ऊपर गार्निश किया था। तो इसके लिए मैंने एक आमी ली है जिसे पील कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है और मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर पानी ऐड करा है, पानी मैंने एक करीब कप के आसपास यहाँ पर ऐड करा था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉन्ट बना रहे हैं तो हम यहाँ पर गुड़ का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर जो गुड़ लिया है वो 200-250 ग्राम के आसपास गुड़ लिया है। तो क्या होगा, गुड़ से ना एक तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप गुड़ प्रेफर नहीं करते तो आप चीनी ऐड कर सकते हैं या फिर ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट ना हो जाएगा। देखिए गुड़ के मेल्ट होते ही ना आपको इस सॉन्ट वाला जो कलर आ गया। तो ये क्या है, व्रत में भी आप देखिए चटनी की बना सकते हैं। तो मैंने आपको हरी चटनी बनाना पहले ही बता दिया था, आज मैंने आपको सॉन्ट बनाने की रेसिपी भी बता सकती है। तो इस तरह से आप व्रत में भी ना अच्छा एक फ्लेवर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चटनी है आप देखेंगे एकदम बिल्कुल सॉन्ट जैसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है, इसमें आप काले मिर्च और आप सेंधा नमक ऐड करोगे स्वाद के अनुसार। और इस सॉन्ट को आप बना के भी रख सकते हो, ये आराम से 20-25 दिन आराम से आपके फ्रिज में चल जाएगी। तो देखिए इस तरह से आपने बहुत ही अच्छी सॉन्ट बना ली है जिसे आप अपने पकौड़े या फिर चाट के साथ या फिर चीले के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए व्रत में एक सॉन्ट की रेसिपी भी आपके पास हो गई है और ये भी हमारे 56 भोग में ऐड होती है क्योंकि 56 भोग में अचार, मुरब्बा, चटनी, मीठा, नमकीन सब लगाया जाता है। तो सॉन्ट एकदम रेडी हो चुकी है, मैंने गैस की फ्लेम कर दी है बंद। अब आप इसे ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए ये भी आप एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। अब हम बनाएंगे साबूदाना थाली पीठ जो कि आपने सुना तो होगा। तो चलिए ठाकुर जी के लिए थाली पीठ का भी भोग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कप कच्ची मूंगफली ली है, इसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही मूंगफली के ऊपर से स्किन निकलनी शुरू हो जाएगी इसका मतलब हमारी जो मूंगफली है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है।
तो हमें क्या करना है, अब अच्छे से हमें इसकी स्किन निकाल लेनी है। तो जैसे ही मूंगफली के ऊपर से स्किन निकल जाएगी, हम इसे दरदरा या मिक्सी में कूट लेंगे। आप सिर्फ एक चंक लिए, अब यहाँ यहाँ पे क्या है, 1.5 कप साबुदाना लिया जिसे मैंने पहले से भिगो दिया था, और 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है सिंगाड़े का आटा, और 2 उबले हुए आलू लिए जिन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे, 1 हरी मिर्च और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है अदरक का ग्रेट करा हुआ, और यहाँ पे कुछ धनिया की पत्ती और 1/2 नींबू जिसे हम इसमें अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब आपने क्या करें, जो आलू लिए हैं इन अच्छे से मैश कर लेंगे। आप मेक श्योर कि अच्छे से मैश कर लो, कोई गुटली ना रह जाए। इसके बाद यहाँ पे भिगोया हुआ साबुदाना आप यहाँ पे ऐड करोगे। साबुदाना कैसे भिगोते हैं ये मैंने आपको पार्ट 1 में शेयर करा था कि कैसे भिगोया जाता है और कितने घंटे के लिए। अब यहाँ पे क्या है, अब मैंने यहाँ पे जो पिसी हुई मूँगफली थी, धनिया, मिर्च और जो अदरक है उसे अच्छे से यहाँ पे मिला लिया। इन सामग्रियों को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच सेंधा नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब ये आप साबुदाना थाली पीठ बनाते हो ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और अगर आप ऑयली खाना नहीं प्रेफर करते व्रत वाले दिन, तो आप इसे ये भी बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या है, सिंगाड़े का आटा यहाँ पे लिया है, इसे अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि इससे बाइंडिंग करने में ईजी होता है। हमें डो बनाना है जो पराठे वाला डो होता है ना, इसी तरह से। तो मैंने यहाँ पे कोई पानी नहीं ऐड करना, आप इसे जब मिक्स करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली डो की फॉर्म में तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम खिचड़ी नहीं बना रहे, यहाँ पे हम इसे एक थाली पीठ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो बचा हुआ जो सिंगाड़े का आटा लिया था वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ताकि ये अच्छे से थोड़ा थिक हो जाए। अगर आपके पास सिंगाड़े का आटा नहीं है तो आप यहाँ पे कूटू का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इस पर यहाँ पे थाली पीठ बनाएंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। प्लास्टिक शीट से क्या होता है, जो रोल करना है ना, वो बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि ये साबुदाना हो या फिर सिंगाड़े का आटा, कूटू का आटा, जब ये इन्हें बेलना होता है ना, थोड़ा स्टिकी होते हैं तो ये चिपक जाते हैं। तो क्या है, मैंने प्लास्टिक शीट को घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, और इस तरह से मैंने यहाँ पे डो बना ली है। आपको इस तरह जैसे आप पराठे या रोटी बनाते हो ना, उसी तरह से आपको छोटी छोटी बॉल बना लेनी है, जो भी आप शेप देना चाहते हो। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से गोल गोल आपने लोई बना ली है, ऊपर से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी लिया है। अब हम प्लास्टिक की शीट से इसे अच्छे से फैला लेंगे, ताकि ये जो रोटी वाली जो शेप है ना, वो एकदम गोल गोल एकदम अच्छे से फैल जाए। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे थाली पीठ की तैयारी करनी है। तो देखिए इस तरह से इसने शेप ले ली है। अब हम इसे तवे के ऊपर डालेंगे। अब हम इसे दोनों साइड से अच्छे से इसे पकाना है। तो मैं पहले इसे तवे पे डाल रही हूँ। तो देखिए आप जब प्लास्टिक की शीट से बनाओगे ना, तो ये बहुत ही ईजी बन जाता है, और एक अच्छी फीलिंग है, व्रत वाले दिन आप अच्छे से बना सकते हो। अब आप इसे एक साइड से पकने देंगे। जैसे ही एक साइड से पक जाएगा, हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आप देख सकते हैं कि गोल्डन एकदम ब्राउन एकदम अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैंने दोनों तरफ से इसे घी लगा लिया है, और इसे दोनों साइड से पका लेंगे। तो देखिए कितना इजी है ना, जिससे पहले आप खिचड़ी बना के तैयार करते थे, अब आप यहाँ पे इसे एक पराठे की शेप में खा सकते हैं। तो देखिए इसे हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। मैंने यहाँ पे पहले ही से आपके साथ दही वाली चटनी शेयर कर दी थी, और आज वाली वीडियो में मैंने सौंठ भी शेयर करी है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा चटनी और बना रखी थी, मैंने यहाँ पे मूंगफली वाली चटनी, जो नारियल वाली चटनी होती है ना, वो भी बना रखी है। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगी। तो उसे मैंने छप्पन भोग में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि 1-2 आइटम फालतू बन गए थे। तो मैं आपके साथ छप्पन भोग ही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये जो है एकदम थाली पीठ एकदम तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप बाकी थाली पीठ भी तैयार कर देंगे। अब देखिए मैं इसे सर्व करने के लिए तैयार हूँ। तो ये मैंने धनिया वाली चटनी बना रखी है, ये मेरी हो गई मूंगफली वाली चटनी, नारियल की चटनी बेसिकली, और ये है हमारी सौंठ। तो देखिए इससे आप एकदम टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और एक अच्छी फीलिंग होती है। अब देखिए छप्पन भोग में जो मेन चीज़ होती है ना, वो है पंचामृत, जो कि हमारे ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। इसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है, 1 चम्मच घी लिया है। पंचामृत का मतलब 5 तत्व जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अब हमें ऐड करना है दही। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप के दही लिया है। 1 कप दूध में 3/4 कप आप दही ले लीजिए। अब यहाँ पे 1 चम्मच पाउडर शुगर, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है गंगा जल, क्योंकि पंचामृत में गंगा जल भी ऐड करा जाता है। अब मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून हनी शहद लिया है। तो अब आपको क्या करना है, इन सारे सामग्रियों को अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए पंचामृत बनाना ना होता इजी है, लेकिन ये हमारे 56 भोग में इंक्लूड करा जाता है, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन पंचामृत से ही स्नान कराया जाता है, और उन्हें भोग भी पंचामृत का ही लगाया जाता है। तो इसलिए मैंने 56 भोग में पंचामृत को भी इंक्लूड करा। तो इसे क्या करना है, जब आप सारी भोग तैयार कर लो तो एंड में बनाना, क्योंकि
क्योंकि कभी भी पंचामृत को ना ज़्यादा देर के लिए बना के रखा नहीं जाता है। तो देखिए अब मैं इसे सर्व करूँगी कुल्लड़ में, तो मेरे पास कुल्लड़ रखी थी तो मैं इसे इसमें ही सर्व करूँगी। तो देखिए ये देखने में बहुत ही अच्छा होता है और ये तो किसी भी पूजा में मस्त होता है। तो देखिए हमने ये पंचामृत को अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लिया है और ऊपर से हम यहाँ पे रखेंगे तुलसी की पत्ती। तो इससे क्या होगा, देखिए एक लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है और एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि हमने अपने कान्हा जी के लिए फाइनली 56 भोग तैयार कर लिए हैं। तो मेरे तो देखिए इस सीरीज़ में 56 भोग रेडी हो चुके हैं। मैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं बाकी बची हुई डिश पे भी तुलसी का पत्ता रख लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने 5 पार्ट में 56 भोग की सीरीज़ को कम्प्लीट करा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी 56 भोग सीरीज़ पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस प्लेलिस्ट को शेयर करिए। अगर आपको और भी सात्विक भोग देखने हैं तो आप मेरी सात्विक रसोई नाम की प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी जन्माष्टमी पे 56 भोग बनाइए। अगर 56 भोग नहीं भी बना सकते तो 11-21 इस तरह से आप भोग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने हर पार्ट में 11 भोग बनाने की कोशिश करी है। तो एक कंप्लीट वीडियो भी आपके लिए जन्माष्टमी पे आप इस तरह से भोग लगा सकते हैं। आपको ये देखिए रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना और बताना कि इस जन्माष्टमी पे आपने अपने कान्हा जी के लिए कितने भोग बनाए हैं और आपको ये जो भोग हैं इनकी रेसिपी कैसी लगी। हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, थैंक यू।